मास्क पहनकर सैलून पर काटे जा रहे हैं लोगों के बाल। देश के लोगों में कोरोना वायरस का डर। जहां एक और देश में कोरोना वायरस के कई राज्यों में पॉजिटिव मिल चुके हैं, प्रदेश में कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। राजस्थान के अजमेर में गोपी द हेयर सैलून के मालिक हरी सेन ने आज सुरक्षित रहने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सैलून पर आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनकर और खुद भी हाथों में ग्लव्स और मास्क पहनकर उनकी हेयर कटिंग की। इसके साथ ही सैन आम जनता को यह संदेश दिया है कि लोग ऐसे वायरस से घबराएं नहीं, सभी लोग हाथ साबुन से धोएं और ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं, यदि जाएं तो चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकलें। जैसा कि आपको पता है आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस ने कितनी महाप्रलय मचा रखी है, उसी कड़ी में आज मैं मेरे सैलून पर जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ। आज मैंने चेहरे पर मास्क लगा रखा, हाथों ग्लव्स पहन रखा और मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन से धोए, आप भीड़ भाड़ इलाके में न जाए, हाथों में ग्लव्स पहने, क्योंकि आप कहीं हाथ लाओगे तो हाथों में जर्म्स कीटाणु होंगे, उसकी वजह से आपको हो सकता है, तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे सैलून पर जितने भी कस्टमर आते हैं, जिस प्रकार ये छोटी गुड़िया ये हेयर कट कराने के लिए, इसके भी चेहरे पर मास्क लगाए मैंने और खुद मास्क लगा के हेयर कट कर रहा हूँ ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार भी काफ़ी रोकथाम कर रही है, तो मैं कस्टमर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस से डरे नहीं, धैर्य से काम ले आप। इसलिए मैंने आज ये कार्यक्रम का